من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم प्यारे बच्चों आई एम नसीर अलियास एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 5.2 जी देखिए हमारे पास इसमें हमने क्या फाइंड करना है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स यानी कि ये हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं इनको हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है प्रोडक्ट का मतलब जो मीनिंग है वो हमारे पास है जी मल्टीप्लाई आपने इन दोनों जो पॉलिनोमियल्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करने के लिए जो है हम क्या करते हैं जो बड़ी वैल्यू है हम उसको ऊपर लिख लेंगे जो छोटी वैल्यू है उसको हम उसके नीचे लिख लेंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर आप देखिए जी जो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इसको हम ऊपर लिख लेंगे और दूसरे नंबर पे जो छोटी वैल्यू है यानी कि जिसमें दो यानी कि वैल्यूज हैं उसको आप लिख लेंगे नीचे और अब हम इसको कर लेंगे जी मल्टीप्लाई तो आपने जब मल्टीप्लाई करना है तो इसमें हम जो है लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं यानी कि जब हम जो कांस्टेंट वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम राइट साइड से मूवी तौर पे हम इधर से ही शुरू करते हैं मल्टीप्लाई करना लेकिन जब आपने पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना है तो आपने यानी कि कह लेंगे जब आप वेरिएबल्स वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने जो लेफ्ट साइड है यानी कि इधर से आपने स्टार्ट लेना है जी यहाँ पर आप देखिए पहले एक्स है हमारे पास तो आप x को सबसे ऊपर वाली तीनों से मल्टीप्लाई कर लें इनके आप देख लें कि आपके पास 3 मौजूद ही नहीं है आपके पास सिंगल जो है वो x ही है तो आपने x को यानी कि सबसे मल्टीप्लाई करना है इनके x x x क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वेयर यहाँ पर आप देखिए आपने नोट किया होगा कि जब भी जो वेरिएबल्स यानी कि एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई एक्स इसकी का जो एक्सपोनेंट है वो 1 है दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम क्या करते हैं उनकी जो पावर्स है उनको प्लस कर लेते हैं तो एक्स क्यूब हमारे पास ऐसे आएगा इसी तरह माइनस 3 सेम आ गया ये एक्स एक्स का एक्सपोनेंट 1 है इसका भी एक्सपोनेंट 1 है तो 1 कितना हो गया 2 हो गया हमारे पास इस तरह अब हम इसको 9 से करेंगे प्लस 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 9 मल्टीप्लाई एक्स 9x हो गया तो जी यहाँ पर आपने 3 को रेज़ नहीं करना मैंने वैसे ही यानी कि आपको समझाने के लिए रेज़ कर दिया कि आपने जब पहली दफ़ा मल्टीप्लाई करना है तो आपने यही समझना है कि ये हमारे पास सिंगल एक्स ही है तो सिर्फ आपने एक्स को ऊपर सबसे मल्टीप्लाई कर देना है 3 को इग्नोर कर देना है अब जब आपने दूसरी दफ़ा मल्टीप्लाई करना है तो आपने क्या करना है जी आपने अब एक्स को इग्नोर कर देना है और आपने अब प्लस 3 अपने माइंड में रखना है तो प्लस 3 को आप तीनों से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर आप देखिए 3 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर तो प्लस इधर भी प्लस है प्लस 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 3x स्क्वेयर तो यहाँ पर आपने देखना लाइक टर्म के नीचे ही आप लिखेंगे यानी कि जो सेम सेम है तो एक्स स्क्वेयर वाली इसके नीचे आ जाएगी प्लस 3x स्क्वेयर उसके बाद प्लस माइनस माइनस 3 9 और साथ एक्स है तो 9x ये एक्स वाली के नीचे आ जाएगा माइनस 9x प्लस 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 3 9 27 तो यहाँ पर हमारे पास 27 आ गया इसको अब हम प्लस माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स जो क्यूब है वो सेम आ गया प्लस वाला 3 माइनस 3 से कैंसिल हो गया ये भी प्लस 3 माइनस 9x से कैंसिल हो गया और हमारे पास जो पीछे बच गया वो है जी 27 तो इसका ये हमारे पास आंसर आ गया बच्चों अब जो है हम इसका करने जा रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें आप देखिए पहले में भी 3 वैल्यूज हैं दूसरे में भी हमारे पास 3 वैल्यूज हैं तो क्वेश्चन ये है कि इसमें से कौन सी ऊपर लिखेंगे और कौन सी नीचे लिखेंगे तो यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है कि ये ऊपर लिख लें या वो ऊपर लिख लें क्योंकि दोनों में 3 वैल्यूज़ हैं तो मैं पहले वाली वैल्यू ही ऊपर लिखने जा रहा हूँ और जो दूसरे वाली है वो इसके नीचे लिख लूँगा तो 3x के माइनस 7x प्लस 5 ऊपर लिख लिया मैंने और नीचे इसके मैं लिखने जा रहा हूँ जी 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 जी तो ये मैंने इसके नीचे लिख ली अब जो है बारी बारी मैं जो है इस साइड से ही शुरू करूँगा लेफ्ट साइड से ही पहले 4x स्क्वायर को तीनों से फिर माइनस 2x को तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो प्लस 1 है उसको हम सबसे मल्टीप्लाई करेंगे अब देखिए पहले 4x स्क्वायर से सबको मल्टीप्लाई करते हैं 4 3 12 अब x की पावर कितनी हम लगाएंगे यहाँ पर आप देखिए इसकी पावर 2 है इसकी पावर 2 है तो पावर्स को प्लस करेंगे आप तो हमारे पास बन जाएगा 4 अब प्लस इसके साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस है प्लस माइनस माइनस 7 4 28 और एक्स की 2 और एक्स की 1 कितनी हो गई एक्स की पावर हमारे पास 3 बन गई प्लस 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 आ गया
फोर फाइव दा ट्वेंटी एक्स का, इसके साथ एक्स नहीं है तो इसके साथ एक्स स्क्वेयर है, तो यहाँ पर आप लगा लेंगे एक्स स्क्वेयर। जी पहली दफ़ा पहले जो है वैल्यू उसके हमने मल्टीप्लाई कर लिया, अब दूसरी वैल्यू से हम करेंगे। यहाँ पर देखिए माइनस टू है तो आपने सब के साइन भी चेंज करने हैं और मल्टीप्लाई भी करना है। टू थ्री दार सिक्स, तो यहाँ पर प्लस है ना, तो प्लस माइनस 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 सिक्स एक्स स्क्वेयर और वन एक्स क्यूब, माइनस सिक्स यहाँ पर आ गया, एक्स क्यूब आ गया साथ। उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो गया, टू से हम था फोर्टीन और प्लस फोर्टीन एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर जो है हमारा ये इसके नीचे आ जाएगा, प्लस फोर्टीन एक्स स्क्वेयर। उसके बाद प्लस माइनस माइनस, फाइव टू था टेन, टेन एक्स, तो माइनस जो टेन एक्स है वो हमारे पास ये इधर आ जाएगा। उसके बाद प्लस वन रह गया, प्लस वन को आप ऊपर वाली तीनों से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो प्लस वन से जब आपने करना है तो ये तीनों सेम ही आपकी आ जाएगी। थ्री एक्स वन मल्टीप्लाई थ्री एक्स स्क्वेयर, तो आपका आ जाएगा प्लस थ्री एक्स स्क्वेयर, प्लस थ्री एक्स स्क्वेयर हम लिखेंगे ये फोर्टीन एक्स स्क्वेयर के नीचे ऐसे। उसके बाद प्लस माइनस माइनस, सेवन वन दस सेवन, तो माइनस सेवन एक्स इसके नीचे आ गया, और प्लस 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 फाइव वन दार फाइव, तो फाइव आपका सेपरेट अलग लिखा जाएगा क्योंकि फाइव की तरह की कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन सबको प्लस कर लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट वैल्यू तो आपकी सेम आ गई क्योंकि एक्स ट्वेल्व एक्स की पावर फोर है, वो सिंगल ही वैल्यू थी। उसके बाद ट्वेंटी एट में फोर प्लस कर लें तो माइनस माइनस प्लस थर्टी फोर एक्स क्यूब। जब आपने प्लस करना है तो इनकी पावर्स को प्लस नहीं करना, पावर जो आपकी वो सेम ही आएंगी। उसके बाद ये तीनों वैल्यू जो हैं प्लस वाली, इन तीनों को प्लस कर लें, ट्वेंटी और जो है फोर्टीन, थर्टी फोर हो गया, थ्री प्लस कर लें तो ये हमारे पास बन गया थर्टी सेवन एक्स स्क्वेयर। उसके बाद टेन और सेवन हो गया माइनस सेवनटीन एक्स और प्लस फाइव हमारे पास बिल्कुल सेम, तो ये जो है इसका हमारे पास आंसर आ गया। अब जो है हमारे पास इसका जो क्वेश्चन है वो जी क्वेश्चन नंबर थ्री, और ये जो है जो इसका क्वेश्चन थ्री है उसका जो लास्ट पार्ट है, इसमें आप देख सकते हैं जी ए प्लस बी प्लस सी, उसके बाद ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। तो ये जो बड़ी वैल्यूज हैं ये आप ऊपर लिखेंगे, जो छोटी हैं वो नीचे लिखे, फिर उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर आपने इसको आपने जितना पेज के इनके जो एंड लेफ्ट साइड पे क्लोज करके लिखेंगे आपका उतना क्वेश्चन जो है ये पूरा आ जाएगा पेज पे। तो बड़े ध्यान से आपने लिखना है, इनके आपका पेज कह लें मार्जिन लाइन यहाँ पे लगी हुई है तो आपने मार्जिन लाइन के साथ जोड़ के इसको लिखना है, ताकि ये जो आपका क्वेश्चन इस तरह जब इसकी वर्किंग बढ़ेगी तो आपका पेज पे पूरा आ जाए, आपको जो है वो दूसरा पेज जो अगला नेक्स्ट पेज है वो यूज़ ना करना पड़े। तो यहाँ पर आप देखिए, तो आपने छोटी राइटिंग करनी है ताकि आपका क्वेश्चन सही तरह पूरा आ जाए। तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक हो गया जी। ये हमारे पास दूसरी वैल्यू हमने ऊपर लिख ली, दो छोटे वाली हैं ए प्लस बी प्लस सी, ये जो है मैं इसके नीचे लिख लिया मैंने। तो अब जो है इसको मैं करूँगा मल्टीप्लाई, पहले जो ए है उसको मैं सबसे मल्टीप्लाई करूँगा। तो देखिए पहले जो सिंगल ए है उसको आप एक दो तीन चार पाँच छः वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, ए की पावर वन है तो ए की पावर टू है, तो यहाँ पर हमारे पास ये बन जाएगा ए की पावर थ्री। यहाँ पर प्लस 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 ही है, ए आ गया और बी साथ आ गया उसके। जब दोनों डिफरेंट हो जाए इनके, एक ए है तो एक बी है, तो आप उनकी पावर इकट्ठी नहीं कर सकते, आप उनको आपने अलग अलग ही लिखना होगा। उसके बाद प्लस ए और सी स्केयर आ गया इसके साथ, फिर आ गया माइनस, माइनस जब आएगा तो ए ए ए का स्केयर बन गया और बी उसके साथ आ गया। इसके बाद ये हमारे पास ए बी सी, इनका माइनस है तो ए बी सी तीनों आपने इकट्ठी लिख लेनी है। उसके बाद प्लस माइनस माइनस, ए हमारे पास देखें इधर आप लगाएंगे पहले माइनस, ए स्केयर हो गया और जो सी है वो साथ ही आ गया। आप सी पहले लिख लें, ए स्केयर बाद में लिख लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका जो है आंसर सेम ही रहेगा। इनके आप लिख लें टू मल्टीप्लाई थ्री लिख लें, यहाँ थ्री मल्टीप्लाई टू लिख लें तो आपका सिक्स ही आएगा, वही कॉन्सेप्ट आपका इधर यूज़ हो रहा है कि यानी कि आपने ए पहले लिख लें या सी बाद में लिख लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद जो बी है उसको हम सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आप देखिए जब बी ने ए स्केयर से मल्टीप्लाई होना तो ये हो जाएगा ए स्केयर बी,
तो ए स्केयर बी, यहाँ से आपने सर्च करके देखना कि कहाँ पर है। ये देखिए ए स्केयर बी यहाँ पे है, तो ये प्लस 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 है, प्लस ए स्केयर बी आप इसके नीचे लिख लेंगे। उसके बाद बी की पावर 1 और बी की 2, बी की 3 आ गया, तो बी क्यूब कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, तो आपने बी की पावर जो 3 है उसको आपने सेपरेट लिख लेना इधर। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए, आप प्लस प्लस सी स्केयर बी, तो यहाँ पर आप देखिए कहीं पे है सी स्केयर बी नहीं है, तो उसको भी हम लग सेपरेट करके ही लिखेंगे, यानी कि सी स्केयर और बी। उसके बाद यहाँ पर आप आइए चौथी वैल्यू पे, तो माइनस ए बी स्केयर, क्योंकि बी एक ये और ये दो बी हो गए, तो ए हो गया माइनस ए बी स्केयर। तो यहाँ पर आप देखिए कि कोई है ऐसी वैल्यू जहाँ पर यानी कि ए बी का स्केयर हो, तो ये हमारे पास है, इसके नीचे आप लिख लेंगे माइनस ए बी का स्केयर। उसके बाद हम करेंगे इसके साथ प्लस माइनस माइनस बी स्केयर सी, तो बी स्केयर सी यहाँ पर आप देखिए कहीं भी नहीं है, तो इसको हम सेपरेट करके लिख लेंगे माइनस बी स्केयर सी। उसके बाद लास्ट वैल्यू पे आ जाएँ ए बी सी, यानी कि आगे पीछे, लेकिन आपने इनको अरेंज कर लेना, ए हो गया, बी ए हो गया और सी ए हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो ये ए बी और सी आ गया हमारे पास। उसके बाद जो थर्ड वैल्यू है उसको हम कर लेते हैं सी को, ये देखिए सी ए स्केयर सी, ए स्केयर सी ये हमारे पास, तो इसके अंदर लिखेंगे आप, सॉरी तीसरी लाइन पर आप जाएंगे ए स्केयर सी आ गया। उसके बाद बी स्केयर सी, तो बी स्केयर सी हमारे पास ये है, इसके साथ भी प्लस है, तो ये इसके नीचे आ जाएगा। उसके बाद सी क्यूब कहीं भी नहीं है, तो आपको इसको लादा लिखना पड़ेगा माइनस ए बी और सी, माइनस ए बी और सी, ये इसके नीचे आ गया। उसके बाद ये बी सी स्केयर, यहाँ सी स्केयर बी कर लें, तो सी स्केयर बी ये आ गया, तो प्लस माइनस माइनस, तो सी स्केयर बी हो गया हमारे पास। और लास्ट पे हमारे पास सी स्केयर ए, तो सी स्केयर ए ये हमारे पास, इनके ए सी स्केयर प्लस, तो जी इसके नीचे आ जाएगा माइनस ए सी स्केयर, क्योंकि प्लस माइनस माइनस सी दो और ए हमारे पास सिंगल है, तो सी स्केयर ए, या ए स्केयर सी कर लें या सी स्केयर ए कर लें, एक बात है। उसके बाद हम इनको प्लस माइनस करते हैं, प्लस माइनस करके तो हम इसका आंसर निकालते हैं। फर्स्ट वैल्यू तो हमारे पास बिल्कुल सेम आ गई, उसके नीचे कोई भी नहीं है, तो ये प्लस वाला ए बी स्केयर, ए माइनस वाला ए बी स्केयर से कैंसिल हो जाएगा। और ये देखिए ए सी स्केयर प्लस वाला ए माइनस ए सी स्केयर माइनस वाले से कैंसिल हो गया। उसके बाद ये माइनस वाला ए स्केयर बी और ए स्केयर प्लस बी, ये भी दोनों कैंसिल हो गया आपस में। यहाँ पर आप देखिए माइनस 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 प्लस है, तीनों के साथ माइनस है, तीनों प्लस कर लें, ए बी और सी आ गया हमारे पास। उसके बाद ये भी माइनस वाला प्लस वाले से कैंसिल हो गया, तो प्लस बी क्यूब जो है ये सेम आ गया हमारे पास, ये भी सी स्केयर बी से कैंसिल हो गया। उसके बाद बी स्केयर सी से कैंसिल हो गया, और एंड पे हमारे पास बच गया सी का क्यूब। अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं, तो अरेंज हम कैसे करेंगे देखिए, अरेंज करके तो आपने इसका आंसर दे देना है। पहले आप लिखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी, तो ये जो है हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। अब जो है इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, ज़रा ध्यान से देखना अपने, इसमें पी क्यू और आर तीन वैल्यूज हमें दे दी हैं, तो हमने फाइंड करना है पी क्यू क्यू आर पी आर और पी क्यू आर, यानी कि 1 2 3 4, इसके चार हम जो है आंसर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं जी पी क्यू। तो पहले जो मैंने मेथड आपको कराया था वो ये था कि एक वैल्यू मैंने ऊपर रखी थी, दूसरी नीचे रखती है। अब जो है इसमें मैं मेथड अपना चेंज कर रहा हूँ, तो आपने इसी मेथड से करना है, आपको दोनों मेथड ये आने चाहिए। तो पी की वैल्यू जो है वो हमारे पास पहले आप लिखेंगे ऐसे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई जी, और उसके साथ हम लिखेंगे मल्टीप्लाई क्यू की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जी, ऐसे ये पी की वैल्यू मल्टीप्लाई क्यू की वैल्यू। तो इसका मेथड क्या होगा कि हम जो फर्स्ट वैल्यू है यानी कि जो एक्स स्क्वेयर है, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि ऐसे एक्स स्क्वेयर आप बाहर लिख लें, और लिखें आप वाई स्क्वेयर माइनस एक्स जी जी ऐसे, और जो बाद में फिर माइनस वाई जी है ना, उसको फिर दोनों से मल्टीप्लाई कर लें आप ऐसे वाई स्क्वेयर माइनस एक्स जी,
जी ओके, समझ आ गया आपको। यानी कि क्या किया जी, पहले हमने लिखा एक्स स्क्वेयर बाहर और ये आगे वैल्यू सॉरी लिख दी, फिर आगे माइनस वाई जी लिखा, उसको फिर मल्टीप्लाई कर लिया इसके साथ। यानी कि पहली वैल्यू को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, फिर दूसरी वैल्यू को भी आपने इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लेना। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई वाई स्क्वेयर, तो ये दोनों लाइक टर्म नहीं है तो इनकी पावरें प्लस नहीं होंगी, ये दोनों इकट्ठी लिखी जाएंगी ऐसे, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर आ गया, माइनस एक्स की पावर वन और ये टू है तो हमारे पास वन रहेगा एक्स क्यूब और साथ आ जाएगा इसका जी, उसके बाद माइनस वाई जी और अंदर वाई स्क्वेयर है तो ये बन जाएगा माइनस वाई क्यूब और साथ इसके आ जाएगा जी, माइनस माइनस आ गया हमारे पास प्लस। तो यहाँ पर आप देखिए एक्स हमारे पास सिंगल है, जी हमारे पास दो है और वाई है, तो हम लिख लेते हैं जी एक्स y और z का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास अगर एक जैसी कोई वैल्यूज़ हैं यहाँ पर तो हम इनको प्लस माइनस कर सकें, तो ये भी डिफरेंट है, ये भी इनके कह लें कि आपकी सारी वैल्यूज एक दूसरे से डिफरेंस है जी। अब जो है हम इसका करने लगे हैं जी, पी क्यू तो हमने कर लिया, अब हम इसका करेंगे क्यू आर। तो क्यू आर के लिए हम क्या करेंगे, इधर लिखेंगे आप पहले जी क्यू आर और यहाँ पर q की वैल्यू लिखें जी y स्क्वेयर माइनस एक्स जी, ब्रैकेट लगा लें, उसके बाद r की वैल्यू लिखें जी z स्क्वेयर माइनस एक्स वाई। तो पहले जो y स्क्वेयर है ना उसको हम दोनों के साथ लिखेंगे ऐसे z स्क्वेयर माइनस एक्स वाई, और इधर लिखेंगे माइनस एक्स जी मल्टीप्लाई जो है z स्क्वेयर माइनस एक्स वाई। यानी कि पहले आपने जो वाई स्क्वेयर है उसको दोनों से मल्टीप्लाई करना है, फिर ये आपने माइनस से एक्स जी लगाना है, उसको फिर इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लेना जी। वाई स्क्वेयर को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन जाएगा वाई स्क्वेयर जी स्क्वेयर माइनस एक्स वाई, दो टू दो बाहर और एक अंदर, हमारे पास तीन वाई हो गया, ऐसे वाई क्यू बन गया, फिर बाहर माइनस है तो एक्स सेम आ गया, जी वन और जी टू जी थ्री हो गया, माइनस माइनस प्लस तो एक्स स्क्वेयर और वाई आ गया हमारे पास, वाई सिंगल एक्स टू हो गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास कोई वैल्यू अगर सेम है तो हम उनको इकट्ठा कर लें प्लस माइनस कर लें, तो कोई वैल्यू सेम नहीं है तो इसका जो है ये हमारे पास आंसर बन गया, तो इसका हमारे पास ये था। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका जो है तीसरा क्वेश्चन जिनके उसका पार्ट नंबर थ्री जो है पी आर था, तो पी आर के लिए आपने पहले पी की वैल्यू लिखनी है, फिर मल्टीप्लाई आर की वैल्यू, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वेयर पहले इन दोनों के साथ लिखा जाएगा, फिर माइनस वाई जी को आपने इन दोनों के साथ लिख लेना है। अब एक्स स्क्वेयर को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई जी स्क्वेयर तो वो बन जाएगा एक्स जी स्क्वेयर माइनस एक्स वन और टू कितने हो गए, एक्स की थ्री और वाई आ गया, ऐसे ही इसको हम करेंगे माइनस, तो माइनस वाई जी क्यूब बन गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो एक्स आ गया और हमारे पास आ गया वाई स्क्वेयर और साथ आ गया जी, फिर इसमें से देखने का कोई वैल्यू सेम है तो उसको आप प्लस कर लें, कोई वैल्यू सेम नहीं है तो इसका यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसका जो है लास्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं पी क्यू आर, तो इसके लिए जो पहला क्वेश्चन था ना आपका, मैं उसी का आंसर यूज़ कर रहा हूँ, तो आपने भी वही सेम सेम लिख लेना है। इनके पी क्यू पहले हमने मल्टीप्लाई किया था, पी क्यू को ये आंसर आया था, अब पी क्यू को हम पहले ये इसका आंसर लिख लिया, फिर आर आर की वैल्यू हमने इधर एंड पे लिख ली, अब हमने इसको इस सब से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो एक तरीका तो ये है कि आप एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर को पहले इससे मल्टीप्लाई करें, फिर इसको इससे करें, फिर इसको इससे करें, फिर इसको इससे करें, फिर वो जो है आपका देखें कितनी लंबी वर्किंग हो जाएगी। तो आसान ये है कि जी स्क्वेयर को हम पहले सबसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर माइनस एक्स वाई को, यानी कि इनको मल्टीप्लाई की जगह आगे पीछे चेंज करने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमारा वही रहेगा। तो पहले मैं इधर इसको जो है जी स्क्वेयर को इस सब के साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इनके एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस एक्स क्यूब जी माइनस वाई क्यूब जी प्लस एक्स वाई जी स्क्वेयर, ओके हो गया जी। उसके बाद मैंने माइनस एक्स वाई लिख लिया, फिर इसके साथ ये सारी वैल्यू लिख लेंगे जैसे हमने पीछे किया था, तो एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस एक्स क्यूब जी माइनस वाई क्यूब जी प्लस एक्स वाई जी स्क्वेयर जी। तो अब हम जो जी स्क्वेयर है उसको अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर ये हमारे पास बन जाएगा जी जी स्क्वेयर
एक्स स्क्र वाई स्क्र, ठीक हो गया जी। उसके बाद अगर हम इससे करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब और जी टू और वन जी क्यूब बन जाएगा ऐसे। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा वाई क्यूब और जी क्यूब प्लस एक्स वाई और जी की टू, और वो कितनी है जी हमारे पास टू, कितनी हो गई जी की फोर हो गई। ओके हो गया जी, ये हमारे पास पहली वर्किंग आ गई। अब सेम हम इसी तरह दूसरी वर्किंग करेंगे। यहाँ पर बाहर माइनस है, अंदर वाले साइन भी आपने सारे चेंज करने हैं और साथ मल्टीप्लाई भी करना है। तो यहाँ पर आप देखिए हमारे पास बन गया एक्स की पावर फोर और जो वाई है उसकी पावर हमारे पास बन गई थ्री जी। उसके बाद अब हम करेंगे जी माइनस एक्स की पावर फोर वाई और जी, ऐसे माइनस माइनस हो गया था प्लस, ये भी माइनस माइनस हो गया प्लस। इसको अगर हम करें तो ये हमारे पास बन जाता है जी एक्स वाई की पावर फोर और जी ऐसे। उसके बाद प्लस माइनस माइनस, इस इन सब के आपने साइन चेंज कर लेने हैं। तो ये बन गया एक्स स्क्र वाई स्क्र और जी स्क्र माइनस वाला। अब सिर्फ एक वैल्यू देखें आप, सेम है एक्स स्क्र वाई स्क्र जी स्क्र, एक्स स्क्र वाई स्क्र जी स्क्र, ये प्लस वाली है वो माइनस वाली है, आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद आपने अब क्या करना है, जो तीन वैल्यूज़ वाले हैं उनको आप अलग लिख लें, जो 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 है दो वैल्यूज़ वाले हैं उसको आप अलग लिख लें। यहाँ पर आप देखिए जो तीन वैल्यूज़ वाला है वो एक्स वाई जी स्क्र, एक्स स्क्र वाई जी और एक्स वाई फोर और जी। यहाँ पर इसको अरेंज कर लेते हैं। पहले आप x की 4 वाला लिख लें, इनके आप लिखेंगे जी x की 4 y z। उसके बाद x y की 4 x y की 4 z कर लें प्लस x y की 4 z, और उसके बाद जो है हमारे पास ये आ जाएगा ये एक्स वाई और जी की फोर, इनके तीन वैल्यूज़ वाला हमने इकट्ठे कर लिया। आप दो वैल्यूज़ वाले आप लिख लें। यहाँ पर आप देखिए ये माइनस एक्स की थ्री जी की थ्री, फिर माइनस वाई की थ्री जी की थ्री, और फिर ये एक्स की फोर और वाई की थ्री आ गया हमारे पास। इतना हमने इनके इसको कर लिया। अब यहाँ पर हम देखिए क्या करेंगे, ये जो है थ्री होना चाहिए इधर भी, तो थ्री कैसे होगा, देखिए x की टू और वन थ्री होना था, इधर हमने गलती से फोर लग गया था। यहाँ पे आप इसको थ्री में चेंज कर लें, इधर भी थ्री कर लें और इधर भी थ्री कर लें। अब यहाँ पर आप देखिए पहले तीन में से आप कॉमन ले लें, एक्स वाई जी एक्स वाई जी एक्स वाई जी तीनों में सेम है, तो एक्स वाई जी कॉमन ले लें आप, तो एक्स में से हमारे पास थ्री बच गए, वाई जी कैंसिल हो गया, वाई जी कैंसिल हो गया, वाई की थ्री बच गई, वाई जी वाई एक्स एक्स वाई कैंसिल हो गया और जी की हमारे पास थ्री बच गई। यहाँ से माइनस का मन ले लें तो एक्स की थ्री जेड की थ्री प्लस सब के साइन चेंज कर दें, वाई की थ्री जी की थ्री, हमारे पास माइनस माइनस हो गया प्लस एक्स की थ्री और वाई की थ्री। तो ये जो है इसका हमारे पास आंसर आ गया। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था, आपने इसको दो तीन दफ़ा आप रिवाइज़ करेंगे तो फिर आपको इसके अच्छी तरह समझ आ जाएगी। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 और 7 इस वीडियो में आपको यानी कि बस यही करवाए जाएंगे। इसमें आपने मल्टीप्लाई करना बस सीखना है, इससे जो पीछे वाले जो 5 तक क्वेश्चन थे उसमें आप प्लस माइनस करना सीखा आपने, और इसके बाद जो क्वेश्चन है आपके उसमें आप डिवाइड करना सीखेंगे, पॉलीनोमियल्स का हम डिवाइड कैसे करेंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप काइंडली इसमें कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।